हेलो स्टूडेंट, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन जैसे सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यूट्यूब चैनल नेम आईटीआई 180 इलेक्ट्रीशियन। इस चैनल के माध्यम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक 1100 मीटर लंबी तांबे की तार की प्रतिरोध ज्ञात करें जिसका व्यास 0.1 सेंटीमीटर है। तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, जो लंबाई है वो 1100 मीटर है, इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जो लंबाई हो जाएगा वो 1100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मात्रक दे दिया है रो बराबर 1.7 माइक्रो सेंटीमीटर। जो तांबे का इसमें एरिया देना चाहिए लेकिन दे दिया है व्यास, व्यास कितना दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। व्यास रेडियस का, यानी जो व्यास होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, तो कह सकते हैं रेडियस बराबर क्या, d/2। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर है d/2, तो आर का स्क्वायर है तो d/2 यानी 2 बार करना पड़ेगा। तो एरिया का मान हो जाएगा 22/60 गुणे 0.1/2 गुणे 0.1/2। आगे देखते हैं, R बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, ओम में आएगा इसका मान। तो यहाँ पे देखेंगे जो रो का मान है 1.7, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और अंदर का गुणा अंदर के साथ और बाहर का गुणा बाहर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर, ये हो जाएगा R बराबर 1.7 गुणे 1100 गुणे 100 और ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो 7 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। नीचे क्या बचा तो 22, नीचे जो बचा 22 इंटू 0.1 गुणे 0.1 और जो 10^-6 ऊपर था माइनस में, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 के आगे 6 जीरो। आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 जीरो है, तो 6 जीरो है तो 2 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 0.1 और यहाँ पे 0.1 है तो ये ऊपर जाएंगे तो 100 से गुणा करने पर 0.1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पे 1.7 है तो यहाँ पे नीचे अगर 10 से गुणा कर दिया जाए तो वहाँ का भी 0.1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 0.1 हट जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे 11 है, एक बार में कटेगा और ये 2 बार में, 11 × 2 = 22 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 100 है इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे 1 बार में और ये कटेगा 5 बार में, तो ऊपर बचेगा 17 × 7 और नीचे बचेगा
बट्टे का 5, तो 17 गुणे 60 करेंगे तो 17 सत 119 और बट्टे का 5। जब इसको सॉल्व करेंगे 119 में 5 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा 23.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाइक्रोम तार की लंबाई ज्ञात करें जिसका व्यास 0.5 mm और प्रतिरोध 30.52 ओम है। नाइक्रोम तार की विशिष्ट प्रतिरोध 109 μΩ है। इसमें देखेंगे एक नाइक्रोम तार की लंबाई पूछा है L, जिसका व्यास दे दिया 0.5 ओम, 0.5 mm और प्रतिरोध दे दिया है 30.25 ओम। नाइक्रोम तार का विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया, L का मान पूछा है। व्यास दे दिया है तो व्यास को पहले एरिया में बदलेंगे। व्यास को क्या करेंगे, एरिया में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो व्यास दिया है वो mm में दिया है, तो पहले mm से व्यास को क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 10 से इसमें भाग दे देंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस बराबर होता है, d/2 और एरिया बराबर होता है πr², तो जब πr² तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और 22/7 और त्रिज्या का मान हो जाएगा 0.05/2 गुणे 0.05/2 cm² में। और r का मान दे दिया है, r बराबर दे दिया है 30.25 ओम। तो लंबाई का, तो प्रतिरोध के नियम के अनुसार L बराबर R(a/L) लंबाई जो होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे L बराबर R, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे ध्यान देंगे L बराबर R, R का मान है 30.52 गुणे एरिया का मान है 22/60 गुणे 0.05/2 गुणे 0.05/2 और प्रतिरोधकता रो का मान है 109 गुणे 10⁻¹। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और इन सब के नीचे कुछ नहीं तो एक, अंदर का गुणा अंदर के साथ और बाहर का गुणा बाहर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 30.52 गुणे 22 गुणे 0.05 गुणे 0.05 गुणे 10⁻¹, जो नीचे था वो ऊपर जाके 10⁻⁶ प्लस में 30.52 गुणे 22 गुणे 0.05 गुणे 0.05 गुणे 10⁻⁶ बट्टे का हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 109। यहाँ पे ध्यान देंगे जो 30 ये 52 है, इसके जगह पर 30.52 है तो इसको नीचे अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो ये 0.05 हट जाएगा और यहाँ पर 0.05 है। अगर यहाँ भी 100 से गुणा कर दिया जाए तो 0.05 हट जाएगा और यहाँ भी 0.05 है, अगर नीचे 100 से गुणा कर दिया जाए तो हट जाएगा। तो नीचे भी ये 100 ये 10⁻⁶ से
कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 109 जो है एक बार में कटेगा, और 30 52 हो जाएगा, जो ये कटेगा ये 28 बार में कट जाएगा। 7 को एक बार में, और 7 6 28 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 22, 5 और 5 में गुणा करेंगे 25 × 22, इसको जब दोनों का गुणा करेंगे तो 505 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मैग्नीन तार का विशिष्ट प्रतिरोध 44.5 ओम सेंटीमीटर है। एक मैग्नीन तार व्यास ज्ञात करें जिसकी लंबाई 154 मीटर और प्रतिरोध 104 ओम है। इसमें प्रतिरोध का व्यास ज्ञात करना है, तो पहले एरिया ज्ञात करेंगे, एरिया के बाद व्यास निकल जाएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, इसमें ध्यान देंगे तो रो का मान दे दिया है 44.56 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, और लंबाई दे दिया है 154 मीटर, 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया आर 144.5 ओम। इसका पूछा है व्यास, इसका डायमीटर पूछा है, तो पहले क्या निकालेंगे एरिया, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, उसके बाद आर का मान निकालेंगे, आर बराबर d/2, तो यहाँ से डी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एरिया बराबर होता है एरिया बराबर रो इंटू एल अपन आर। तो यहाँ पे देखेंगे रो का मान दे दिया है, रो का मान दे दिया कितना 44.5 × 10⁻⁶, और लंबाई दे दिया है 154 × 100, और बट्टे का रेजिस्टेंस दे दिया 144.5। तो यहाँ पे एरिया बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 44.5 से, एक मिनट, 44.5 से 44.5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 154 × 100 और बट्टे का 10⁻⁶ है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो 1 के आगे 6 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 154 × 10000। तो 154 में 10000 का गुणा करेंगे तो एरिया का मान आ जाएगा, एरिया का मान आ जाएगा 0.0154। तो यहाँ पे एरिया का मान पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे आर स्क्वायर का मान हो जाएगा एरिया बाई पाई। तो एरिया का मान है 0.0154, और पाई का मान है 22/7, तो 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे 0.0154 × 7 का, तो आएगा 0.1078 × 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर का जो मान आएगा, आर स्क्वायर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.0049। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये मान आ जाएंगे अंडर रूट में, तो आर बराबर अंडर रूट 0.0049 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर, और 2R बराबर D का मान होता है, जो D का मान होता है वो त्रिज्या के दोगुना होता है। तो यहाँ पे अगर R का मान निकल गया 2 से गुणा कर देंगे तो D का मान आ जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 2 × 0.07, तो D का मान जो आ जाएगा D बराबर हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर, जो व्यास का मान पूछा था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक 20 मीटर लंबी और 0.05 mm चौड़ी नाइक्रोम वायर की पट्टी की रेजिस्टेंस 8 ओम है। नाइक्रोम पट की मोटाई ज्ञात करें। यदि नाइक्रोम पट की विशेष पोस्टर 109 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो लंबाई है उसी को मोटाई मान रहा है। तो देखेंगे एक 20 मीटर लंबी जो लंबाई दे दिया है वो कितना दिया है, एल का मान 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 0.05 mm। नाइक्रोम वायर की पट की रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया 8 ओम। नाइक्रोम पट की मोटाई ज्ञात करें। यदि नाइक्रोम पट की विशिष्ट प्रतिरोध 109 माइक्रो ओम सेंटीमीटर हो, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे जो लंबाई दिया है, जो लंबाई दिया है वो लंबाई दे दिया है 20 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आर का जो मान दे दिया है 8 ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मान दे दिया है जो वो दे दिया है रो बराबर 109 गुणे 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर होता है मोटाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का भी मान दे दिया है 0.05 mm। तो पहले एरिया का मान निकालेंगे, तो एरिया का मान निकल जाएगा तो उसमें से चौड़ाई घटा देंगे, चौड़ाई को भाग दे देंगे तो मोटाई निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट पहले एरिया का मान निकल, तो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है रो इंटू एल अपन आर। तो यहाँ पे रो का मान दे दिया है कितना, 109 गुणे 10⁻⁶ लंबाई दे दिया है 20 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 से गुणा दे देंगे, और प्रतिरोध का मान दे दिया है आर। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 109 गुणे 20 गुणे 100 और ये 10⁻⁶ ऊपर है, नीचे आके प्लस हो जाएगा तो वो 1000 हो जाएगा, सॉरी एक के आगे 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से एक बार में ये 4 बार में कट जाएगा। अब नीचे बचेगा 4000 और ऊपर 100, तो एरिया का मान हो जाएगा 109 बट्टे 4000 और जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान सेंटीमीटर में आया है, जब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा एमएम में, एमएम में आ जाएगा और एरिया का मान आ जाएगा, एरिया का जो मान आ जाएगा वो 0.725 mm स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे एरिया बराबर होता है मोटाई गुणे चौड़ाई, तो मोटाई का मान निकल रहा है, तो ये जो चौड़ाई गुणे में है वो बराबर किधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कह देंगे एरिया मोटाई बराबर होगा एरिया बट्टे का चौड़ाई। एरिया का मान है 0.2725 बट्टे 0.05, तो जो मोटाई हो जाएगा वो हो जाएगा 200, मोटाई जो 54.5 mm। एक 100 मीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल के टुकड़ों की इंसुलेशन प्रतिरोध 500 मेगा ओम है, इसकी इंसुलेशन प्रतिरोध प्रति किमी क्या होगी, संकेत इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल की लंबाई के विलोमानुपात होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात होता है। तो ध्यान देंगे इसमें जो L1 का मान दिया है वो 100 मीटर
R1 का मान दे दिया है 500 मेगा ओम, L2 का मान दे प्रति किलोमीटर पूछा है, तो 1 किलोमीटर में जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में, L2 का मान हो जाएगा 1000 मीटर, R2 का मान पूछा है। यहाँ पे संकेत में लिखा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल की लंबाई के विलोमानुपात होती है, यानी कहेंगे कि R1/R2 बराबर L2/L1। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि जो R1 का मान है वो 500 मेगा ओम और L2 का जो मान है 1000 मीटर और L1 का मान दे दिया 100 मीटर। यहाँ से R2 का मान निकालना है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो R2 बराबर हो जाएगा 500/10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा R2 का मान आ जाएगा 50 मेगा ओम हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।